दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, घर पे खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है करने को, तो आप क्यों ना छोटा सा बिजनेस आइडिया कर ले, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले। लेकिन आपके पास चॉइस बहुत कम रहती है। आप अगर इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको चॉइसेस कम मिलती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको चॉइस का भरमार लाया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको 51 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये मिनिमम अमाउंट से भी खर्च शुरू हो सकते हैं सारे बिजनेस। दूसरी बात यह है कि आप ये बिजनेस गाँव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, हर जगह के लिए बिजनेस आइडिया है, हर कोई कर सकता है, हर प्रकार के इंसान के लिए बिजनेस आइडिया लाया हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं 51 बिजनेस आइडिया के बारे में। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है खाने से लेकर, वो होता है फास्ट फूड का बिजनेस। हर कोई फास्ट फूड खाना पसंद करता है, तो आप चाहें तो फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के जमाने में इसका काफी ज्यादा डिमांड है, फास्ट फूड का बिजनेस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सेकेंड बिजनेस आइडिया है फर्नीचर बनाने का बिजनेस। कारपेंटर का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जितने भी कुर्सी टेबल आप इस्तेमाल करते हैं वो फर्नीचर का ही पार्ट है। तो आपको क्या करना है, फर्नीचर बनाने आता है तो घर से शुरू कर सकते हैं फर्नीचर बनाने का बिजनेस, और तरह तरह का फर्नीचर बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डांस, म्यूजिक, योगा क्लासेस का एक्सपीरियंस है, तो आप क्यों ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे। आज से आप अपने घर पे, घर के बाहर ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं ये चीजें, और यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस। आपको ये सारी चीज़ें, एलईडी बल्ब में जितनी भी चीज़ें आती है वो अलग अलग मिल सकती है। आपको छोटा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए सोल्डिंग करने का। सोल्डिंग करके आप एलईडी बल्ब बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी, तो आप एलईडी बल्ब बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा है पशु आहार का बिजनेस। पशु आहार गांव में ज़्यादातर ये बिजनेस चलता है। जो माँ, जो गाय भैंस पालन करते हैं, बकरी का पालन करते हैं, वो उनके खाने के लिए दाना का इस्तेमाल करते हैं। उनके खाने के लिए जो भी पशु का भोजन होता है वो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो आप इनका भी बिजनेस कर सकते हैं। अगला है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। महिलाएं अगर घर में बैठी है तो उनके पास एक काफ़ी सुनहरा मौका होता है कि वो अगरबत्ती बनाकर मार्केट में बेचे और इससे पैसा कमाए। तो अगरबत्ती बनाने का बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगला है जूस का बिजनेस। जूस पीना हर किसी को पसंद होता है। ये सालों भर चलने वाला बिजनेस है, बहुत ही कम अमाउंट में शुरू होता है। 10,000 के अंदर ये बिजनेस शुरू होगा, काफी अच्छा इसमें ग्रोथ मिलने वाला है। तो जूस का बिजनेस आप ही आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों खिलौने का बिजनेस। खिलौना हर एक बच्चे को पसंद होता है, और आजकल के जमाने में खिलौने तरह तरह के आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का डिमांड दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, खिलौने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला है डेकोरेशन का बिजनेस। हर शादी पार्टी में कोई भी फंक्शन होता है तो एक बंदे को बुलाया जाता है जो कि आपको डेकोरेट करता है, आपके घर को सजाता है, आपके जो महफिल है उसको सजाता है। तो डेकोरेशन का काम भी आपसे शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसमें एक कई कई महिलाएं जो नॉर्मल एरिया में होती है वो दिन के 5,000 से 10,000 रुपए तक कमा लेती है, तो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस भी आप कर सकती हैं। अगर आप कहीं से पार्लर का कोर्स किए हैं या करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। अगला है बुक स्टोर का बिजनेस। बुक स्टोर यानी स्टेशनरी का बिजनेस। यहाँ पे आप तरह तरह की किताबें बेच सकते हैं, कलम कॉपी ये सारी चीजें आप बेच सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला है प्रिंटिंग यानी कार्ड प्रिंट का बिजनेस। कार्ड प्रिंट अलग होता है और जिरक्स का बिजनेस अलग होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कार्ड प्रिंट का बिजनेस आप कर सकते हैं। कार्ड प्रिंट का बिजनेस करने के लिए आपको ये सारी स्किल आनी चाहिए, बाकी आप ये बिजनेस स्टार्ट करके यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है पनवाड़ी। पनवाड़ी बनना हर किसी के लिए आम बात नहीं है, पर अगर आपके पास पान लगाने का स्किल हो, पान लगाना आता है, तो आप पनवाड़ी का काम शुरू कर सकते हैं और इससे भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो पनवाड़ी का बिजनेस भी आपके लिए काफी बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है गिफ्ट का बिजनेस। गिफ्ट शॉप आपको पता होगा, जब भी कहीं शादी पार्टी या किसी फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, तो हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो किसी न किसी गिफ्ट शॉप से पैकिंग करवाते हैं। तो आपके पास भी अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गिफ्ट शॉप खोल लीजिए, वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है पेपर ग्लास का बिजनेस। आपको पता होगा पानी पीने के लिए दो प्रकार का गिलासें इस्तेमाल की जाती है, पेपर और प्लास्टिक। तो आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें ज्यादातर पेपर का गिलास मिलता है, तो आप चाहे तो पेपर का गिलास का बिजनेस कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है नाश्ते का बिजनेस। जब भी आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं भी सुबह सुबह जाते हैं, तो वहां पे आपको पूरी सब्जी, नाश्ते के लिए पराठे मिल जाते हैं आमतौर पर। तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप पराठे या जो नाश्ते का बिजनेस होता है स्पेशली, वो कर सकते हैं, वहां से आप पैसे कमा पाए।
अगला बिजनेस आइडिया है वो है अचार का बिजनेस। फिर से महिलाओं के लिए बिजनेस आ गया। अगर आप महिला है, घर में बैठी है, अचार बना सकती हैं। अचार बनाने लगभग घर महिलाओं के आता है, अचार बना सकती है, तरह तरह के अचार बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकती है या किसी से करवा सकती है सप्लाई, और वो जाकर मार्केट में बेच के आएगा बंदा, और आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है दिया का बिजनेस। आपको पता होगा दिया मिट्टी का बनता है। अगर आप इसके अलावा भी कई प्रकार के दिए बनते हैं, तो अगर आप घर में बैठे हैं, अगर आपको ये चीज़ें आती है, तो आप दिया बनाने का बिजनेस कर सकती हैं। गांव में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है मिट्टी बर्तन बनाने का बिजनेस। गर्मी के दिनों में तो मिट्टी बर्तन का जो घड़ा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पानी पीने के लिए। इसके अलावा चाय बनाने पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कुल्हड़ में आजकल लोग पिज्जा बना रहे हैं, मटके में आजकल मीट बना रहे हैं, तो इसका डिमांड भी दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग शौक से इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट भी उतना ज़्यादा है। तो आप चाहे तो ये बिजनेस कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है लॉन्ड्री का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने महंगे महंगे कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, फिर वहाँ से ही ड्राई क्लीनर वाला उसको प्रेस करके उनको कपड़े को देता है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप चाहे तो लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला है टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। आपके आज के ज़माने में हर कोई अपने मन पसंदीदा स्पोर्ट्समैन को या फिर लोगों को प्रिंट करा के अपनी टी शर्ट पर पहनना चाहता है, तो आप चाहे तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते में यह बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से आप काफ़ी लंबे समय तक पैसे कमा सकते हैं। अगला है मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। हर किसी का फ़ोन ख़राब होता है, आज ना कल आपका भी फ़ोन ख़राब होना ही होना है, तो आप रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। तो आप चाहें तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर कोर्स हो जाता है, उसके बाद आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलकर उसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगला है पापड़ बनाने का बिजनेस। लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, जो आजकल करोड़ों का कंपनी बन चुकी है। तो आप चाहे तो घर से पापड़ बनाकर बेच सकते हैं, तरह तरह की दालें के पापड़ बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है जीरक्स और लेमिनेशन का बिजनेस। जब भी दोस्तों आपको कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने होता है, लेमिनेशन कराने होता है या फिर जीरक्स कराने जाते होता है, तो आप जीरक्स वाले की दुकान पर जाते हैं। आपके पास भी काफ़ी अच्छा स्किल है, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा ऑफिस मिल गया, सरकारी दफ्तर मिल गया, जहाँ पर यह बिजनेस करें, तो आपको ये लाखों में कमाई करके देगा। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अगला है मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। अगर आपको मोमबत्ती बनाने नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, वैक्स खरीदना होता है, उसको पघलाकर एक शेप देना होता है, बाकी आपका मोमबत्ती तैयार हो जाता है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगला है नमकीन का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, हम आए दिन नमकीन स्नैक्स के रूप में खाते हैं, सुबह शाम चाय के साथ हर कोई नमकीन खाना पसंद करता है। तो आपके पास भी अगर इसके लिए नमकीन बनाने आता है, तो घर बैठे ही आप नमकीन बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है सैलून का बिजनेस। हर संडे को सैलून में लाइन लग जाती है, क्योंकि हर किसी को अपना बाल दाढ़ी वगैरह सेट करवाना होता है, बाल कट करवाने होते हैं। तो अगर आपके पास बाल काटने का स्किल है नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप किसी को हायर करके ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगला है बुटीक का बिजनेस। अगर आप एक स्त्री हैं, आपको टेलर का काम आता है, कपड़े सिलने का आता है, तो आप बुटीक खोल सकती हैं। वहाँ पे आप लोगों को कपड़े सिल सकती हैं, तरह तरह के डिजाइन कर सकती हैं कपड़ों का। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकती हैं। अगला है गुलदस्ते का बिजनेस। आपको पता होगा गुलदस्ता बनाना काफ़ी आसान होता है। अगर आप नेचुरल फूल का गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, या फिर आजकल तो ज़्यादातर जो प्लास्टिक के फूल आते हैं, उसका गुलदस्ता बनता है। इसके लिए हर प्रकार का फूल आप प्लास्टिक का ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, एक शेप में लाकर उसको आप फिर किसी प्लास्टिक के डब्बे या शेप में उसको से लगाकर आप गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। अगला है मिठाई बनाने का बिजनेस। अगर आप एक हलवाई के रूप में काम करना चाहते हैं, मिठाई बनाने का स्किल है, तो आप चाहे तो एक इसका दुकान भी खोल सकते हैं प्रॉपर, उसके बाद आप मिठाई बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, वहां से भी आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो जाता है। अगला है टिफिन सर्विस का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जो महिलाएं घर से आजकल काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रही हैं टिफिन सर्विस के बिजनेस के माध्यम से। अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आप क्या कर सकती हैं, टिफिन सर्विस का बिजनेस खोल सकती हैं। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। बाकी मैं बता देता हूं आपको क्या करना होता है, कि आपको एक ऐसे पर्सन को हायर करना होता है जो अलग अलग टिफिन जाकर सप्लाई करे, बाकी आप घर में खाना बनाकर टिफिन में पैक कर सकती हैं। वो बंदा ले जाकर मार्केट में सप्लाई करेगा, मार्केट में प्रचार करने के लिए लोग आजकल पंपलेट या स्टिकर चिपकाते हैं जगह जगह पे, ये भी आप काम करवा सकती हैं, उसके बाद आप इससे आप पैसे कमा सकती हैं।
अगला है चाय का बिजनेस। चाय का बिजनेस गर्मी सर्दी बरसात सालों पर चलने वाला बिजनेस है। अगर आप कोई ऐसे जगह पकड़ लेते हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, कंपनी हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, इसके बाहर अगर आप चाय का टपरी खोलते हैं तो यहाँ से आपको लाखों में कमाई होता है। तो आप ये भी बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपका लोकेशन का चुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप ये खोलकर इससे पैसे कमा पाएंगे। अगला है डेयरी का बिजनेस। गांव के लिए डेयरी का बिजनेस खोलना काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पास गाय भैंस उपलब्ध होती है। वो क्या कर सकते हैं, दूध के तरह तरह की चीजें बनाकर बेच सकते हैं, साथ ही दूध भी बेच सकते हैं और वहां से इनको पैसे कमा सकते हैं। अगला है गुड़ बनाने का बिजनेस। गांव में आज तो आपको पता होगा गुड़ का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चीनी भी आजकल गांव में ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन गुड़ का भी वहां पे काफी ज्यादा वैल्यू है। गुड़ भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो अगर आपको गुड़ बनाना है तो आप गुड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली शुगर केन लेना है, गन्ने लेना है, गन्ने के जूस निकालना है, जूस को उसके बाद उसको फ्राई करना है, लास्ट में आपको गुड़ मिल जाता है। काफी सिंपल तरीका है, हर कोई कर सकता है। आप चाहे तो आप भी गुड़ बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अगला है फूल का बिजनेस। फूल का बिजनेस तो फूल माला बनाकर आपको बेच सकते हैं या फिर फूल आप रॉ फूल भी बेच सकते हैं। फूल का बिजनेस आमतौर एक दिन का बिजनेस है, रोज रोज आपको माल ये भरना पड़ता है। आपको क्या करना होगा, सुबह फूल लाना है, आपको शाम तक उसको कैसे भी ठंडे रखना है, मतलब सही रखना है, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। ये बिजनेस ज्यादातर मंदिर के बाहर या फिर किसी मजार के बाहर इस प्रकार के एरिया में काफी ज्यादा चलता है। तो आप चाहे तो फूल का बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको काफी अच्छा कमाई होने वाली है। अगला है आटा चक्की का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी गांव में ज्यादातर लोग जाते हैं तो खुद का आटा पिसाकर उसके बाद उसको खाना पसंद करते हैं। तो आटा चक्की का बिजनेस भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप चाहे तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक बार मशीन सेटअप करना होगा, बाकी ये काफी लंबे समय तक आपको कमाई करके देगा। तो आटा चक्की का बिजनेस भी काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है, आपको ये चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है चौमिन या बर्गर का बिजनेस। आपको पता होगा आमतौर पे हम शाम के समय में चौमिन या बर्गर मार्केट से खरीद कर खाते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप चाहे तो ये भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों वाटर सप्लाई का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, गांव में भी लोग आजकल मिनरल वाटर पीना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो वाटर सप्लाई का बिजनेस कर सकते हैं। वाटर सप्लाई का बिजनेस करने के लिए आपको एक प्लांट सेटअप करना होता है। एक बार उसमें कुछ पैसे लगते हैं, उसके बाद आप उसको पानी फिल्टर करके मार्केट में सप्लाई करके उसे पैसे कमा सकते हैं। अगला है पानीपुरी का बिजनेस। पानीपुरी खाना हर किसी को पसंद होता है। आजकल जगह जगह पे पानीपुरी का स्टॉल लगाता हुआ आपको दिख जाएगा हर कोई बंदा। तो पानीपुरी का बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और इसमें आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मात्र 4,000 से 5,000 रुपये चाहिए और ये आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फिर आप उसे काफी लंबे समय तक पैसा कमा पाएंगे। अगला है फल या सब्जी का बिजनेस। ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगर आप चाहे तो ये बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। ये बिजनेस काफी कम पैसों से शुरू होता है। इसमें भी आपको काफी ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे लगाकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला है मुर्गी फार्म का बिजनेस। गांव में ये बिजनेस काफी ज्यादा चलता है, शहर में भी बिजनेस चलता है, लेकिन गांव में मुर्गी फार्म लोग ज्यादातर खोलते हैं। आपको सिंपली मुर्गी फार्म खोलना है, वहां पे मुर्गियों को छोटे छोटे बच्चे को लाकर पालकर बड़े करने होते हैं, फिर आप उसको मार्केट में सप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं। अगला है मछली पालन का बिजनेस। ये बिजनेस लोग बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिकन का जो पोल्ट्री होता है, मुर्गी फार्म और मछली फार्म एक साथ करते हैं, जिससे कि उनको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आप चाहें तो मछली फार्म का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको स्पेसिफिक तालाब बनाने होते हैं, छोटी छोटी मछलियों को लाकर उसमें जमा करना होता है। जब वो मछली बड़ी हो जाती है तो आप उसको मार्केट में बेचते हैं और वहां से आपकी कमाई होती है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस। अगर आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग का स्किल आता है तो आप कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस नहीं करना है तो आप ये सीख सकते हैं, सीखने के बाद भी कर सकते हैं, आप इससे पैसे कमा पाएंगे। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है, आप इसको चाहे तो ट्राई करके पैसे कमा सकते हैं। अगला है पिज्जा बनाने का बिजनेस। दोस्तों को पता होगा दोस्तों, गांव में भी आजकल पिज्जा जा रहा है, डोमिनो जा रहा है। स्पेशली डोमिनो भी अपना अलग अलग फ्रेंचाइजी गांव-गांव में भी खोल रहा है, क्योंकि वहां पे पिज्जा का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप चाहे तो पिज्जा बनाने का भी बिजनेस कर सकते हैं। गांव में भी बिजनेस ये चलेगा, शहर में तो खैर चलना ही है, गांव में भी बिजनेस ये काफी ज्यादा डिमांड पर चल रहा है। तो आप चाहे तो गांव में भी पिज्जा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और यहां से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला है फूड वैन का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, फूड वैन में आजकल डिमांड इसका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये क्या होता है कि एक चलते रोड पे गाड़ी चलती है, वहां पे आपका फूड वैन रहता है, वहां पे आप खाने लोगों को वहां से परोसते हैं और वहां से आप काफी अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। तो फूड वैन का जो बिजनेस है वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ज्यादातर आइसक्रीम का बिजनेस भी इस पे करते हैं लोग, तरह तरह के बिजनेस करते हैं फूड का। तो आप चाहे तो फूड वैन भी खोल सकते हैं, वहां से भी पैसे कमा सकते हैं।
अगला है टेंट हाउस का बिजनेस। आपको पता होगा तो जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो टेंट वाले को बुलाते हैं, वो टेंट लगाता है और लोग उसके नीचे बैठते हैं, अपना कार्यक्रम जो भी करना होता है वो करते हैं। तो टेंट हाउस का बिजनेस भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप चाहे तो इसको करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है हार्डवेयर का बिजनेस। आपका जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के हार्डवेयर की चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आमतौर के जिंदगी में भी बहुत सारे कील इस्तेमाल करते हैं, पेचकस इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के नॉट बोल्ट खोलने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे हार्डवेयर की दुकान से आते हैं। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है साबुन बनाने का बिजनेस। तो आपको अगर साबुन बनाना काफ़ी ज़्यादा जटिल कार्य लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, साबुन का जो वेक्स होता है वो भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिलता है, तो आपको वो चीज़ें खरीद कर लाना होता है, फिर आपको वो परफ्यूम या वो फ्रेग्रेंस डालना होता है जिस प्रकार का आप साबुन बनाने हैं। जैसे कि आपको नीम का बनाना है तो नीम का पत्ते का पिसाई करके उसमें वो चीज़ें डालकर फिर मिक्स करके उसके आप एक शेप देते हैं तो साबुन तैयार होता है। तो साबुन बनाने का बिजनेस भी काफ़ी सिंपल बिजनेस आइडिया है, आप इसको चाहे तो करके इसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है मोबाइल कवर प्रिंट का बिजनेस। मोबाइल कवर का बिजनेस तो आपने सुना होगा, लेकिन जो मोबाइल कवर होता है वो एक नॉर्मल प्रिंट में भी आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल नॉर्मल मोबाइल कवर खरीदना होता है, एक प्रिंटिंग मशीन आती है जिसपे आप कवर के ऊपर फोटो चिपका सकते हैं, कवर के ऊपर लोगो चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ये बिजनेस भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला है ईयरफोन डाटा केबल का बिजनेस। दोस्तों आमतौर पर आपका ईयरफोन या डाटा केबल रोज कभी ना कभी खराब हुआ तो होगा, तो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो जो ईयरफोन और डाटा केबल है ये काफी सस्ते प्राइस में होलसेलर में मिल जाता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां से आप ऑनलाइन ये चीजें मंगा सकते हैं और फिर आप उसको अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। अगला है फुटवेयर का बिजनेस। फुटवेयर का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो सालों भर चलता है और इसको दिन प्रतिदिन इस प्रकार का बिजनेस में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का बिजनेस भी कर सकते हैं, फुटवेयर का बिजनेस भी कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कुछ 51 यानी 51 बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं। मैंने हर प्रकार का बिजनेस बताया है, हर जगह के लिए बिजनेस बताया है, हर किसी के लिए बिजनेस बनाया है, तो आप इसमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।